हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। ये हमारी कंपनी ने नया मॉडल लॉन्चिंग किया है, सोडा वाटर फिलिंग प्लांट। सोडा वाटर फिलिंग प्लांट मतलब आप इसके अंदर से कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक इसके अंदर फिल कर सकते हैं। सोडा कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसमें आप 100 ml से लेकर 10 लीटर तक की बड़ी बोतल इसके अंदर फिल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कार्बोनेटेड फ्लेवर है, नॉन कार्बोनेटेड फ्लेवर है, जूस है, मैंगो है, मिनरल वाटर से पानी है, हर एक चीज इसके अंदर फिल कर सकते हैं। और पूरा वन सेटअप मशीन है, जो सेटअप हमको दिखा रहे वही एक वन सेटअप मशीन है। तो हम आपको पूरी इसकी ट्रेनिंग देंगे, जानकारी देंगे, पूरा समझाएंगे कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे इसमें काम करना है आपको। तो आप स्टार्ट से लेके एंड तक की पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी आप देखिए पूरा है, अभी हम इसको टेस्टिंग ले रहे हैं, ऑपरेटिंग ले रहे हैं, हम कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए जा रहे हैं अभी, इसलिए पूरा इसलिए सबसे पहले टेस्टिंग ले रहे कंपनी में इसको ऑपरेट करके कैसा वर्क कर रहा है, क्या है क्या नहीं करके। और हमने इसके पहले भी एक वॉटर फिलिंग प्लांट का वीडियो अपलोड किया हुआ था, जिसके अंदर हमने अभी इसके अंदर अपग्रेड किया हुआ है, बहुत सारी चीज अपग्रेड की है इसके अंदर हमने, जैसे कि इसके अंदर डिस्प्ले यहाँ पे लगाया है, एक डिजिटल टेम्परेचर मीटर यहाँ लगाया है, एम्पियर मीटर यहाँ पे लगाया हुआ है। और मेन चीज है इसके अंदर डबल चिल्लर प्लांट रहता है, दो कूलिंग प्लांट रहेगा इसके अंदर। एक तो जो ऑनलाइन चिल्लर रहता है, जो ऑनलाइन मतलब के जो आउट से पानी आता है, वो जो मशीन के अंदर ऑनलाइन चिल्लिंग होता है, एक तो प्लांट रहता है। दूसरा भी हमने ऊपर की साइड 250 से 300 लीटर का प्लांट लिया हुआ है, चिल्लर प्लांट, जिसके अंदर ऊपर जो पानी को स्टोर करेंगे वो भी पानी चिल्ड करेगा, ठंडा करेगा। सबसे पहले मैं आपको इसका फंक्शन बता देता हूँ, क्या फंक्शन है इसके अंदर। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर है, जिसके अंदर आपको बताएगा कि आपका अंदर मशीन के अंदर कितना पानी ठंडा है फिलहाल। ये अभी 23 सेल्सियस बता रहा है, हमने कंप्रेसर इसका स्टार्ट नहीं लगाया है, ऑफ रखा हुआ है। कंप्रेसर का स्विच है जिसको अभी हमने ऑफ रखा है, इसलिए भी ये 23 बता रहा है। जैसे आप इसके अंदर पानी फिल करके इसको स्टार्ट करेंगे, ये धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, 20, 15, 10, 5, मैक्सिमम आप इसके अंदर माइनस टेम्परेचर भी ले सकते हो, -1, -2, 0 या -1 के अंदर आपको प्रोडक्शन लेना है सोडा का, जिसके हिसाब से आपको क्वालिटी एकदम स्ट्रांग क्वालिटी मिलेगा, पावर वाला क्वालिटी मिलेगा, जो स्ट्रांग पावर वाला क्वालिटी रहता है, इसे आपको 0 टेम्परेचर के अंदर मिलेगा। अभी हम आपको इसको टेस्टिंग करके बताएंगे इसको ऑपरेट कैसे करना है। यहाँ पे हमने डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसके अंदर आप सेट कर सकते हो कितना एमएल का आपको वॉटर फिल करना है। जैसे कि 200 ml का है तो पर डे आपको एवरी डे कोई भी सेटअप बनाना है कि भाई आज पूरा दिन आपको 200 ml ही बनाना है, तो आप इसके अंदर पर डे के हिसाब से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट डे आपको 300 ml, उसके बाद 600 ml, उसके बाद 1.5 लीटर, उसके बाद 2.5 लीटर, तो जैसे आपको सेट करना है, यहाँ पे डिस्प्ले से हर एक चीज का आपको सेटिंग हो जाएगा परमानेंटली। अभी हमने इसके अंदर सेटिंग किया है, 250 ml की बोतल का सेटिंग किया हुआ है, 250 ml की बोतल से इसका सेट किया हुआ है हमने। सबसे पहले यहाँ पे कार्बोनेटेड फ्लेवर रहता है, जिसके अंदर से सोडा निकलता है, कार्बोनेटेड फ्लेवर सोडा बोलते हैं इसको। इसका पुश बटन यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पुश करेंगे, जितना ये अपने इसको पुश करेंगे ऑटोमेटिकली जितना सेट किया उतना ही गिरेगा इसके अंदर। ये सोडा इतना फिल हो गया, नेक्स्ट में आप इसके अंदर फ्लेवर फिल कीजिए, ये फ्लेवर से कोई भी फ्लेवर, जीरा मसाला, ऑरेंज, लिमका, कोई भी। अभी हमने इसके अंदर कोला कलर का कलर मिक्स करके पाउडर डाला हुआ है इसके अंदर, इसलिए वो वाटर आएंगे इसके अंदर, आप देख सकते हैं ये पूरा बोतल फिल हो चुका। बाद में इसको कैपिंग करना है, तो यहां पर हमने कैपिंग मशीन भी दिया हुआ है। ये कैपिंग हो गया है, ये कंप्लीट सोडा बन गया है इसका। खाली आपको अब इसके अंदर लेबलिंग करके मार्केट में सेल कर देना है, सेल लोगों इसके अंदर आपका जो भी ब्रांड है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपको प्राइसिंग रखना है, इसको आपको रेडी करके कंप्लीट हो चुकी है फ्लेवर, इसको जाने देना है फाइनल में, ये फाइनल हो गया आपका। उसी तरह में नेक्स्ट नोजल में से भी आपको बताएंगे इसको कैसे सेट करना है, वही हिसाब से वही सिस्टम है। दो आदमी इसके अंदर काम कर सकते हैं, एक आदमी यहां से काम करेगा, एक आदमी यहां से काम करेगा। दूसरा कैपिंग मशीन जो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी एक कैपिंग मशीन आ जाएगा, जिससे एक आदमी वहां काम करेगा, एक आदमी काम यहाँ पे करेगा, जिसके हिसाब से आपको डबल प्रोडक्शन मिलेगा इसके अंदर। आप यहाँ से देखिए पूरा इसको ऐसे पुश करना है आपको, वही सिस्टम से इसको फिल हुआ। अभी वही सिस्टम से आप इसके अंदर फ्लेवर को फिल कर सकते हैं, फ्लेवर का बटन है। जितना आपने स्वीटनेस के हिसाब से इसको सेट किया कि कितना एमएल आपको फिल करना है, वन टाइम यहाँ पे सेट कर देना है, फिर कंटिन्यू मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आप कंटिन्यू जितना 2 दिन 3 दिन एक ही सेवल लेवल का एक ही साइज का प्रोडक्शन निकालना है निकाल सकते हैं। इसका कैपिंग है,
ये हो गया कैटिंग, ये बोतल हो गया फाइनल। फिर से एक बार आपको बताते हैं वीडियो में, फिर से एक बार प्रोडक्शन करके दिखाते जिससे आपको नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगा इसके बारे में। ये 16 फीट हो गया इसका, अब 16 का क्वालिटी भी देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पावर का क्वालिटी भी देख सकते हैं 16 का। ये जितना चिल्ड होगा उतना पावर मारेगा वो, देखिए ये जितना पावरफुल जितना चिल्ड होगा उतना स्ट्रॉन्ग पावर वाला रहेगा थोड़ा इसका। ये फ्लेवर ये हो गया आपका बोतल रेडी। इसका हम आपको एवरेजली कॉस्टिंग बता दे, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इसका एवरेजली कॉस्टिंग बोतल केप फ्लेवर इसका स्टिकरिंग लेबरिंग सब मिला के कंप्लीट मिला के आपको 3.50 रुपीज, 3.5 रुपए का मैक्सिमम कॉस्ट आएगा आपको। आप इसके ऊपर एमआरपी लगा सकते हैं 12 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, जो भी लगाना है लगा सकते हो। आप डीलर को 7 रुपए में सेल कर सकते हो, 3.5 का मटेरियल 7 में सेल कर सकते हो, 50% का प्रॉफिट रहेगा आपको इसके अंदर। और पूरी मशीन हमने स्टेनलेस स्टील 304 फुट ग्रेन मटेरियल से बनाई गई है, जिसके अंदर हमने 2 टन 2 टन का कूलिंग कंप्रेसर डाला हुआ है, 2 टन का कूलिंग प्लांट डाला है, जिसके हिसाब से आप कंटिन्यू कितना भी प्रोडक्शन निकालो मशीन आपको चिल्डनेस उसका लेवल टू लेवल ही रहेगा, चिल्डनेस में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं रहेगा, आप कंटिन्यू कितना भी इसके अंदर प्रोडक्शन निकालो। और मेन चीज क्या है कि आपको वन प्रोडक्शन चीज है, वन सेटअप चीज है। बहुत सारे प्लांट में क्या रहता है, कूलिंग प्लांट अलग लगाओ, चिल्लर प्लांट अलग लगाओ, सोडा प्लांट अलग, कार्बोनेट अलग लगाओ, CO2 अलग लगाओ, ये अलग लगाओ, वो अलग, सब अलग अलग चीज लगाना है। फ्लेवर्स भी आपको यहाँ पे रिपीट करना है, इसका फ्लेवर्स का हमने कनेक्शन दिया गया है, ये 2 फ्लेवर्स का कनेक्शन है। इसके अंदर आप कोई भी बाउल लगा सकते हो, एक साथ 2 फ्लेवर भी फिल कर सकते हो, जैसे कि एक बार आप जीरा मसाला कर रहे हो दूसरे में कर रहे हो कोला, तो दोनों बाउल अलग अलग रख सकते हो उसके अंदर। इसका 2 बाइट हमने निकाल के दिया हुआ है, इस सबसे आप बड़ा सा बाउल करके 20 लीटर 50 लीटर का फ्लेवर बना के एक साथ प्रोडक्शन ले सकते हो उसके अंदर। इस टाइप का आपको CO2 बोतल रहता है, CO2 बोतल इसके अंदर आपको बड़ा ले लेना है, जिसके हिसाब से आपको कंटिन्यू बैकअप मिलता रहता है, इस हिसाब से CO2 प्रेशर सब सेट करते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे सब इसका सिस्टम भी दिया गया है, सबका स्विच है, पंप मोटर का स्विच दिया गया है, एम्पियर्स मीटर है, वोल्टेज मीटर है, एक काउंटिंग सिस्टम है इसका, कितना ग्लास निकाला कितना बोतल आपने निकाला पर डे का आप इसके अंदर भी काउंट कर सकते हैं। अगर आपको बोतल गिनना नहीं है तो डिस्प्ले भी आपको बता सकता है कि कितना बोतल निकाला है आपने इसके अंदर से पर डे। आप रोज शाम को आकर खाली इसके अंदर देख सकते हैं 500 बोतल 1000 बोतल 2000 वर्कर ने कितना बोतल निकाला, वो सब यहाँ से आपको डिस्प्ले से दिखाई देगा इसके अंदर। और यहाँ पे कंप्रेसर का स्विच दिया गया हमने, आपको जब भी कंप्रेसर इसका स्टार्ट करना है ऑन करना है, इसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना है ऑफ कर सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे हमने इसका आपको अगर कोई वायरिंग या कोई भी मेंटेनेंस वर्क करना है तो इसका भी हमने इजी फंक्शन दिया हुआ है पूरा, यहाँ से इसको आप ओपन कर सकते हो पूरा, एक इसका डोर बनाया है हमने पूरा, ये हिसाब से पूरा इसको ओपन हो जाएगा पूरा। या आपको कुछ मेंटेनेंस करना है, यहाँ पे वायरिंग करना है, कुछ आप यहाँ से कर सकते हो पूरा, आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वाटर टैंक है जो हमने आपको बताया था ऑनलाइन, ये जो वाटर टैंक है इनबिल्ट चिल्लर टैंक है, जिसके अंदर पानी 300 लीटर वाटर रिफिल करके आप चिल्लिंग होता है इसके अंदर पानी, और नीचे दूसरा कूलिंग प्लांट रहता है जिसके अंदर ऑनलाइन चिल्लर रहता है। ये पानी एक बार तो ठंडा होगा, दोबारा इसके अंदर भी नीचे ठंडा होने जाएगा, जिसके हिसाब से आपको डबल ठंडक मिलेगी, जिससे क्वालिटी भी आपको एक नंबर बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी इसके अंदर। और आज की डेट में बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत ही मार्जिनेबल बिजनेस है। आप इसके अंदर 600 ml या 650 ml की बोतल भी फिल करते हो, जो मार्केट में कंपनी की बोतल है 40 रुपए 35 रुपए 45 रुपए में जो कंपनी की बोतल मिल रही है, उसका आपको कॉस्टिंग मैक्सिमम आप गिनेंगे तो 6.5 से 7 रुपए का कॉस्टिंग जाएगा। आप मार्केट में उसको 15 रुपए में सेल कर सकते हो, डीलर उसको 20 रुपए में सेल कर सकता है, तो आप मार्केट कॉम्पिटिशन में भी आराम से खड़े रह सकते हो और अपना मटेरियल आराम से बिक सकते हो मार्केट में। और आपको अगर ज्यादा जानकारी इसके बारे में चाहिए तो हमारी डायरेक्ट डॉल्फिन कंपनी की
डॉल्फिन कंपनी का वेबसाइट है या डॉल्फिन कंपनी का सर्विस सेंटर नंबर है, कहीं पे भी आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर हमारा कंपनी का आपको मोर डिटेल्स चाहिए, ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप हमारा कंपनी का मैं नंबर आपको देता हूँ, वहां पे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 9898175519 ये हमारा बॉटलिंग प्लांट डिपार्टमेंट का नंबर है। आप एक बार फिर से नोट नंबर कीजिए 9898175519, जिसके अंदर आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। कॉल करके आप हर एक जानकारी ले सकते हैं, इसका प्राइस क्या है, ऑपरेट कैसे होती है, कैसे बुक कराना है, कितने टाइम पे डिलीवरी मिलेंगी, सब जानकारी ये नंबर से आप ले सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी रोज नई नई प्रोडक्ट हम मार्केट में अपग्रेड करते हर एक आपको इसकी डिटेल एवरीडे नोटिफाइड मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।